और यहाँ पर पहली गेंद करवाई है दर्शन ने ऑफ कटर, ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करवा रहे हैं दर्शन। अच्छी गेंदबाजी करवा रहे हैं दर्शन। स्ट्राइक पर है उदयपुर वाटी एसएमएस के बैट्समैन, ओवर द स्टंप से करवाई है और यहाँ पर शानदार शॉट 6 रनों के लिए। फुल एंड डिलीवरी थी अच्छी बैटिंग करते हुए उदयपुर वाटी एसएमएस के बैट्समैन क्षितिज स्कूल बैट्समैन को नाम बता अंकित बैट्समैन का नाम है अंकित और नॉन स्ट्राइक पर है विशाल। ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करवा रहे हैं दर्शन, स्ट्राइक पर है और यहां पर सिंगल निकाल लिया है और यहां पर आउट हो गए हैं विशाल। बैट्समैन है विज्जू और ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करवा रहे हैं दर्शन और बाई का इशारा अंपायर द्वारा। स्ट्राइक पर है विज्जू, बॉलिंग करवा रहे हैं दर्शन। ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करवा रहे हैं दर्शन, स्ट्राइक पर है विज्जू और यहां पर हिट कर दिया है, एज लगा है इनर और फाइन लेग की दिशा में 4 रन, शानदार बैटिंग विज्जू द्वारा। ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करवाएंगे दर्शन, स्ट्राइक पर है विज्जू और यहाँ पर वाइड गेंद दर्शन द्वारा। ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करवा रहे हैं, वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करवा रहे दर्शन, स्ट्राइक पर है विज्जू और यहाँ पर शॉट, अच्छा शॉट मारा है कवर्स की दिशा में और सिंगल लिया है विज्जू ने। अगले बॉलर है विक्रम और स्ट्राइक पर है विज्जू। अंकल जी ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करवाएंगे विक्रम, स्ट्राइक पर है विज्जू, रन अप लेते हुए विक्रम सिंह और स्ट्राइक पर है विज्जू और यहां पर पहली गेंद वाइड विक्रम द्वारा। ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करवा रहे हैं विक्रम, स्ट्राइक पर है विज्जू। ओवर द स्टंप से आते हुए फुल टॉस गेंद, फ्लिक करने की कोशिश और फिर से वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करवाएंगे विक्रम, स्ट्राइक पर है विज्जू और यहाँ पर हिट करने की कोशिश और विकेट्स मिस होते हुए अच्छी गेंद थी विक्रम द्वारा। यॉर्कर लैंड डिलीवरी, लाइन पर कंट्रोल है विक्रम का। ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करवाएंगे विक्रम, स्ट्राइक पर है विज्जू और यहाँ पर हिट कर दिया है लेकिन सीधा कीपर के हाथों में कोई रन नहीं। ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करवा रहे विक्रम, स्ट्राइक पर है विज्जू, फिर से वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। लाइन से भटकते हुए विक्रम और यहाँ पर फिर से वाइड गेंद करवाई है विक्रम ने, अपनी दिशा से भटकते हुए विक्रम। लाइन टू लाइन गेंदबाजी करवानी पड़ेगी अगर ये मैच जीतना है तो नवलगढ़ की टीम को। ओवर द स्टंप से आते हुए विक्रम, स्ट्राइक पर है विज्जू। ओवर द स्टंप से आते हुए और फुल टॉस बॉल और अच्छी फील्डिंग करते हुए नवलगढ़ के प्लेयर्स और यहाँ पर रन आउट मिस कर दिया है नवलगढ़ के प्लेयर ने। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए उदयपुर वाटी की टीम और मिस फील्डिंग कर दी थी नवलगढ़ की टीम ने। ध्यान रखिए विक्रम बॉलर और अंकित एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए सामने अंकित और बहुत ही अच्छी गेंद थाई पे लगी और ये LBW की अपील लेकिन अंपायर द्वारा न करा। विक्रम बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक और ये विक्रम एक बार फिर से चले अंकित के लिए और फिर से और करके कोशिश सामने मार दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में और ये बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी है अंकित के द्वारा। विक्रम जोर करके कोशिश कर रहे हैं लेकिन हल्के से दूर हुए गेंदबाजी से थोड़ी सी ऊपर बॉल पड़ी और बल्लेबाज ने उसका फायदा उठाया और ये फिर से विक्रम चले अंकित के लिए फिर से और ये डिफेंस कर दिया है और ये मिडिल विकेट के फील्डर के द्वारा बहुत ही अच्छी फील्डिंग और ये ओवर की समाप्ति। और नए गेंदबाज रवि विज्जू के लिए, विज्जू स्ट्राइक पे और ये फुल टॉस गेंद मार दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ और ये 70 मीटर का लंबा छक्का। फुल टॉस गेंद और 6 रन के लिए बाहर मार दिया है। ऐसे गेंदबाज ऐसे लग रहा है कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी डालेंगे लेकिन बहुत ही साधारण गेंदबाजी।
और ये रवि फिर से चले विज्जू के लिए और ये विज्जू तैयार मार दिया सामने लोंग उनकी दिशा में। एक रन तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा क्या दूसरे की कोशिश नहीं एक रन से संतुष्टि। और ये रवि विज्जू के लिए अंकित के लिए सॉरी और ये फुट ऑफ गेंद मार दिया मिडिल की दिशा में 6 रन के लिए। जी हाँ लगने में ऐसे दिखने में ऐसे लग रहा है 6 रन है। जी हाँ 6 रन और ये अंकित बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये रवि फिर से चले अंकित के लिए अंकित कड़े तैयार लंबे छक्के के लिए और ये फुट ऑफ गेंद मार दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ और ये 6 रन। जी हाँ बहुत ही ऐसे गेंदबाज मेरे को लग रहा था मोने मोरकल की याद दिला रहे थे लेकिन गेंदबाजी ऐसे डाल रहे हैं जैसे रजत भाटिया डाल रहे हो बहुत ही साधारण गेंदबाजी। और ये फिर से तैयार रवि फिर से तैयार और अंकित लंबे छक्के के लिए फिर से तैयार और ये बहुत ही अच्छी गेंद ये इस ओवर की सबसे अच्छी गेंद डाली है इन्होंने सबसे अच्छी गेंद लेंथ बॉल और अंकित तैयार फिर से रवि गेंदबाजी के लिए और ये घुमाया लेकिन बीट होते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लास्ट दो गेंद ऐसे लगा कि मोने मोरकल डाल रहे हो। और ये नए गेंदबाज दिगराज विज्जू के लिए और ये वाइड गेंद नवल बीट की टीम अभी तक वाइड ओवर कंट्रोल नहीं कर पा रही है वाइड और फुल टॉस के कारण रन बने हैं जो लेंथ बॉल डालेगा वो यहाँ पे बच सकता है वरना तो कोई बचने का चांस नहीं है। और ये दिलराज बॉलर फिर से चले विज्जू के लिए और बहुत ही अच्छी कैच लॉन्ग ऑन की तरफ मार दिया फील्डरिंग जाते हुए और ये बहुत ही अच्छा कैच ये पकड़ लिया ब्रावो स्टाइल में बहुत ही अच्छा कैच। और नए बल्लेबाज साहिल दिलराज एक बार फिर से चले साहिल के लिए और लेंथ बॉल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लेकिन लेग स्टंप को मिस करती हुई एक रन आसानी से प्राप्त कर लिया है और एक रन से संतुष्ट माफ कीजिएगा अभी स्ट्राइक पे हैं साहिल और नॉन स्ट्राइक पे हैं। और ये फिर से एक बार गेंदबाज चले और ये मिडिल विकेट की तरफ से मार दिया है एक रन के लिए लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग एक रन नहीं मिलेगा भैया बहुत ही अच्छी फील्डिंग और ये साहिल के लिए फिर से चले दिलराज सामने खड़े इष्ट मौके एकदम और ये बहुत ही अच्छी गेंद मिस करते हुए छतरी की तरफ मारना चाहते थे बहुत ही लंबा छक्का और ये दिलराज फिर से चले साहिल के लिए साहिल तैयार लंबे छक्के के लिए और ये लेंथ बॉल मार दिया और ये स्टंप पे लगती हुई बहुत ही अच्छी गेंदबाजी दिलराज के द्वारा दिलराज बोल रहा है। और ये दिलराज चले योगेश के लिए योगेश बहुत ही लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं दिलराज फिर से चले छोटी गेंद और ये बहुत ही अच्छी गेंद ओवर की समाप्ति दिलराज बहुत ही अच्छे ओवर फेंके जाते हुए होगी स्टार्ट। और ये रवि दूसरे ओवर के लिए आए अपने खुद के दूसरे ओवर के लिए और स्ट्राइक पे अंकित और मार दिया लॉन्ग ऑन की तरफ और ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग एक रन आसानी से प्राप्त करेंगे और ये रवि फिर से चले योगेश के लिए और ये बहुत ही अच्छी गेंद अपील होती हुई और आउट करार दिया गया है इनसाइड एज योगेश आउट होते हुए स्टार्ट होगी बहुत ही तेज हवाएं चलती हुई पकड़ में और ये गेंदबाज रवि फिर से तैयार विक्रम के लिए विक्रम ऐसे लग रहा है कि एटमायर की याद दिला रहा है मेरे को और छोटी गेंद डिफेंस कर दिया एक रन के लिए थर्ड मैन की तरफ गेंद जाती हुई क्या 4 रन जा सकते हैं और जी हाँ 4 रन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और भारतीय टीम मैनेजमेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि धीरे धीरे बल्लेबाजी करें आराम से क्योंकि अंकित अभी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको साथ निभाने के लिए एक बल्लेबाज चाहिए जो एक रन या 4 रन आराम से मार सके और कई देर तक खेल सके
और ये फिर से तैयार रवि, एक बार फिर से तैयार अंकित के लिए, विक्रम के लिए सॉरी, और मार दिया है कवर की तरफ और मिस फील्ड, एक रन आसानी से प्राप्त करेंगे, एक रन से संतुष्टि और स्ट्राइक पे आ गए हैं अंकित जो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। और ये रवि एक बार फिर से अंकित के लिए, अंकित खड़े हैं आर मत, जैसे ऐसे लग रहा है कि नीचे नीचे खेलेंगे अंकित, क्योंकि विकेट बहुत ही ज्यादा गिर चुके हैं, चार या पांच विकेट गिर चुके हैं अभी तक, तो नीचे नीचे खेलना चाहेंगे। और फिर से रवि चले अंकित के लिए, फुल टॉस गेंद मार दिया स्काई लेग की तरफ, कैच ड्रॉप और रन आउट का चांस, लेकिन रन आउट नहीं हुए, बहुत ही अच्छी स्टॉप बोल सकते हो आप, कैच हो सकता था लेकिन अच्छा स्टॉप। से एक रन प्राप्त करेंगे और रवि के द्वारा अच्छा ओवर अभी तक, ओवर की समाप्ति जरूरी है, ये टीम वाली देखी है, ये टीम तू है एक और कौन है एक तो, और ये दर्शन नए गेंदबाज आए हैं, दर्शन एक रन नहीं 11 रन में दो जीत गया मैम, चल और ये अंकित तैयार दर्शन, और ये ऑफ कटर गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, और ये दर्शन फिर से चले अंकित के लिए एक बार फिर से, और ये छोटी गेंद कर दिया प्लेस कर दिया एक रन के लिए पॉइंट की तरफ, और एक रन आसानी से प्राप्त करेंगे, नीचे नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक एक रन दो दो रन चल रहे हैं अभी तक, हमारा ग्रुप विक्रम ने एक रन के लिए आसानी से प्राप्त किया मिड विकेट की तरफ, और ये स्ट्राइक पे अंकित पहुंच चुके हैं, ऑफ कट टाइप डाल रहे हैं कुछ, लेकिन ऐसे लग रहा है कलाई गिर रही है उनकी, अब बोल दे, और ये दर्शन फिर से तैयार अंकित के लिए, अंकित खड़े हैं लंबे छक्के के लिए तैयार, और ये अच्छी गेंद, और ये बहुत ही लंबा छक्का, जी हाँ बहुत ही लंबा छक्का, विक्रम बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उदयपुर वाटी के प्लेयर बोल रहे हैं बहुत ही इजी टाइप बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही इजी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक और दर्शन एक बार फिर से तैयार, और ये छोटी गेंद एक, बॉलर को नाम बताए भाई, दर्शन को नहीं आ रही हो, और ये दिलराज फिर से चले विक्रम के लिए, विक्रम खड़े लंबे शॉट के लिए तैयार, और ये घुमा दिया है मिड विकेट की तरफ, जी हाँ 4 रन, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बंद गिरे और ये दिलराज फिर से चले एक बार फिर से चले विक्रम के लिए, विक्रम खड़े लंबे शॉट के लिए तैयार फिर से, और ये घुमा दिया जोर कर गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, स्ट्राइक पे हैं विक्रम और राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करवा रहे हैं दिलराज, अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करी है उदयपुर वाटी एसएमएस की टीम ने, राउंड द स्टंप से करवाएंगे और हिट कर दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, रोकने में नाकाम रहे, शानदार चौका बल्ले से,
विक्रम की अच्छी बल्लेबाजी, दिलराज की बॉल पर चौका मारा था। राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करवा रहे हैं दिलराज और स्ट्राइक पर है विक्रम, नॉन स्ट्राइक पर है अंकित। ओवर द राउंड द स्टंप से आते हुए और यहां पर पैड पर लग गई थी गेंद और यहां पर आउट दे दिया दिलराज की शानदार गेंदबाजी और विक्रम आउट हो चुके हैं। अगले बैट्समैन है मोइन, बॉलिंग करवा रहे हैं दिलराज ओवर द विकेट से, स्ट्राइक पर है मोइन और यहाँ पर फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका मारा है। अच्छी बल्लेबाजी मोइन अली द्वारा, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मोइन और यहाँ पर प्रोत्साहन मिलता हुआ उदयपुर वाटी SMS द्वारा। अब स्ट्राइक पर है अंकित और नॉन स्ट्राइक पर है मोइन। ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करवाएंगे, स्ट्राइक पर है अंकित, बॉलर है दया राम। ओवर द स्टंप से करवाएंगे गेंदबाजी, स्ट्राइक पर है अंकित और यहां पर घुमा दिया है शानदार शॉट कवर्स के ऊपर से और ये फील्डर पकड़ने में नाकाम रहे और चौके की ओर जाता हुआ। अच्छी फील्डिंग थी दिलराज द्वारा, यहां पर डबल लिया है अंकित ने। बॉलर हैं दयाराम, राउंड द स्टंप से करवा रहे हैं और स्ट्राइक पर हैं अंकित जो कि बहुत ही एक शानदार खिलाड़ी हैं उदयपुर वाटी SMS के। राउंड द स्टंप से करवाएंगे दयाराम और फ्री हिट है ये क्षितिज SMS के बैट्समैन अंकित, फ्री हिट गेंद, दयाराम करवाएंगे गेंदबाजी और यहां पर वाइड गेंद दयाराम द्वारा और फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। अब राउंड द स्टंप से करवाएंगे दयाराम, स्ट्राइक पर हैं अंकित, फ्री हिट कंटिन्यू है और यहां पर मार दिया है गेंद को थर्ड मैन की दिशा में, एज लगा और चौका मिलता हुआ फ्री हिट पे। अच्छी बल्लेबाजी अंकित द्वारा, अच्छी बैटिंग करते हुए अंकित जो कि उदयपुर वाटी SMS के प्लेयर हैं, अभी छक्का लगाया था। क्षितिज स्कूल के, क्षितिज पब्लिक स्कूल उदयपुर वाटी और दयाराम की गेंद पर छक्का मारा है अभी अंकित ने। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अंकित, राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करवा रहे हैं दयाराम, स्ट्राइक पर हैं अंकित क्षितिज पब्लिक स्कूल के और यहां पर शानदार शॉट मिड विकेट की दिशा में और फील्डर रोक नहीं पाए, चौका। धुएंदार बल्लेबाजी करते हुए अंकित। ओवर द राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करवा रहे हैं दयाराम, स्ट्राइक पर हैं अंकित और यहां पर बीट होते हुए इनको 50 बनाने के लिए मात्र एक रन की आवश्यकता है। राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करवाएंगे दयाराम और स्ट्राइक पर हैं अंकित, अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करी है अंकित ने जो कि क्षितिज पब्लिक स्कूल से हैं। राउंड द स्टंप से आते हुए दयाराम और ये सिंगल निकाला है, यहां पर 50 पूरी होती हुई अंकित की, अच्छी बल्लेबाजी करी थी अंकित ने। स्ट्राइक पर है मोइन अली, राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करवा रहे हैं दयाराम। राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करवा रहे हैं दयाराम, 50 पूरी हो चुकी है अंकित की और यहां पे फुल टॉस गेंद खेल दिया है कवर्स के ऊपर से, 4 रन की ओर जाता हुआ और 2 रन लिए हैं मोइन अली ने और यहां पर ओवर होता हुआ समाप्त। दयाराम का बहुत ही महंगा ओवर था ये। बॉलर हैं विक्रम और स्ट्राइक पर हैं अंकित जिन्होंने 50 मार दिया है। यहां पर फुल टॉस गेंद घुमाया है मिड विकेट की दिशा में और मिस फील्ड और यहां पर सिंगल लिया है। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अंकित और अब स्ट्राइक पर हैं मोइन, 90 रन बन चुके हैं उदयपुर वाटी के क्षितिज पब्लिक स्कूल के। स्ट्राइक पर है मोइन और बॉलिंग करवा रहे हैं विक्रम ओवर द स्टंप से और यहां पर इनर एज लगा, 4 रनों के लिए फाइन लेग की दिशा में चौका, एयरटेल चौका।
ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करवाएंगे, विक्रम स्ट्राइक पर है, मोइन और यहां पर लपेट दिया है फाइनल की दिशा में और ये 6 रन, शानदार शॉट मोइन के बल्ले से और यहां पर शतक पूरा उदयपुर वाटी क्षितिज पब्लिक स्कूल का। ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करवाएंगे, विक्रम स्ट्राइक पर है मोइन अली, फुल टॉस गेंद और यहां पर बोल्ड कर दिया है विक्रम ने मोइन को। ओवर द राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करवाएंगे, विक्रम स्ट्राइक पर हैं अरबाज कुरैशी, राउंड द स्टंप से आते हुए विक्रम स्ट्राइक पर हैं अरबाज, फुल टॉस और यहां पर बीट हो गए हैं अरबाज, अच्छी गेंदबाजी विक्रम द्वारा। अब ये लास्ट ओवर है, आएगा अगला ओवर, बॉलर हैं दयाराम, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, राउंड द स्टंप से करवाएंगे गेंदबाजी और स्ट्राइक पर हैं अंकित जिन्होंने अर्धशतक मार दिया है और यहां पर फुल टॉस गेंद हिट कर दिया है, हवा में उछली है गेंद, क्या ये कैच पकड़ लेंगे और यहां पर कैच पकड़ लिया, अच्छी गेंदबाजी दयाराम द्वारा। अगले बैट्समैन हैं नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा और यहां पर जीवन दान मिलता हुआ अंकित को, राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करवाएंगे दयाराम, स्ट्राइक पर हैं अंकित और यहां पर घबरा गए हैं बॉलर दयाराम, राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करवा रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अंकित जिन्होंने अर्धशतक बनाया था उदयपुर वाटी टीम के लिए, अभी 51 रन पे खेल रहे हैं, स्ट्राइक पर हैं अंकित और यहां पर घुमा दिया है, सीधा मारा है शॉट और 4 रनों के लिए, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अंकित, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकित। दयाराम अपनी लाइन से भटकते हुए राउंड द स्टंप से करवाएंगे गेंदबाजी, स्ट्राइक पर हैं अंकित, अपना रन अप लेते हुए दयाराम और यहां पर घुमा दिया है मिड विकेट की दिशा में, फील्डर पीछे आते हुए और यहां पर कोई रन नहीं अंकित द्वारा। राउंड द स्टंप से ओवर की तीसरी गेंद करवाएंगे दयाराम, स्ट्राइक पर हैं अंकित, फुल टॉस और वाइड गेंद, अंपायर का इशारा वाइड गेंद, थोड़ा लाइन पर कंट्रोल करना पड़ेगा दयाराम को, अगर राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करवाएंगे दयाराम, स्ट्राइक पर है अंकित और यहां पर हिट कर दिया है शानदार शॉट अंकित के बल्ले से 6 रनों के लिए, खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अंकित, राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करवाएंगे दयाराम, अंपायर ने रोक लिया है और यहां पर ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है। राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करवाएंगे दयाराम, स्ट्राइक पर हैं अंकित, राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करते हुए दयाराम, स्ट्राइक पर हैं अंकित और यहां पर घुमाने की कोशिश और डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी करवाई है दयाराम ने, पिछली भी गेंद पर एक छक्का खाया था दयाराम ने। राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करवा रहे हैं, स्ट्राइक पर हैं अंकित, अच्छा शॉट मारते हैं अंकित, राउंड द स्टंप से आते हुए दयाराम, स्ट्राइक पर हैं अंकित और यहां पर घुमा दिया है, एज लगाए थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई और फील्डर हैं पीछे और यहां पर 2 रन ले लिए हैं बहुत ही आसानी से अंकित ने। यहां पर अंकित जिन्हें इजी नाम से भी पुकारा जाता है अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, राउंड द स्टंप से आते हुए दयाराम और यहां पर घुमा दिया है सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में, केवल सिंगल लिया था और यहां पर मिस फील्डिंग, आराम से 2 रन ले लिए हैं अंकित ने, खराब फील्डिंग,